सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज की एक नई वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी से। हम हल्द्वानी आ गए हैं और गौरव है, सबकी शादी का टाइम आ गया है। सुबह सुबह अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 4:30-5 बजे करीब मैं पहुंचा था। पीछे आस्था बैठी हुई है, आस्था का आज प्रैक्टिकल है तो आस्था बहनी को हम जा रहे हैं पन्नगढ़ छोड़ने। बाकी फटाफट पन्नगढ़ छोड़ के आते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं जश फार्म। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मतलब मैंने आने की तो आज वीडियो नहीं बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई, मैंने कहा हर बार एक ही चीज़ क्या दिखाऊं, क्या कैप्चर करूं एक ही चीज़, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है इस बार सीधा हल्द्वानी चल के कैप्चर करते हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं पूरा दिन, आज बढ़िया सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। ओ बाप रे, बहुत गड्ढे हैं भाई, बहुत गड्ढे हैं। चेक आउट द व्यू, पुलिस वाले तो नहीं है, नहीं है। सो गाइस, टाइम हो रहा है 6:40 और हमने आस्था को ड्रॉप कर दिया है। अब हम वापस निकल रहे हैं हल्द्वानी को। वैसे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद सुबह का टाइम देखा है, क्योंकि गुड़गांव में तो सुबह होती नहीं है। गुड़गांव में तो जैसी आँख खुलती है दोपहर होती है, 10 बजे से ऑफिस होता है। और गुड़गांव में तो जब से यार गर्मी का टाइम स्टार्ट हुआ है तब से मतलब सुबह होनी बंद हो गई है, वहाँ सीधा दोपहर होती है, अब सुबह नहीं होती वहाँ। हल्द्वानी में आके हमें सुबह देखने का मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा यार बढ़िया है यार, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ तो सुबह के टाइम पे, वहाँ पे तो यार सीधा क्या क्या है। चलो खैर, चलो वापस चलते हैं फटाफट हल्द्वानी को। अराउंड आधा पौन घंटे में हम हल्द्वानी पहुँच जाएंगे। लवी को फ़ोन किया था, लवी कह रहा था सीधा रेलवे स्टेशन आना, चलते हैं। मैंने सोचा था कि सीधा जश फार्म जाके टप्पी करेंगे, भाइयों से मिलेंगे, गौरी दाजू से मिलेंगे जिनकी कल शादी है। बाकी हम निकल गए हैं अब। और वैसे पता है मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद गाड़ी चला रहा हूँ, अराउंड 8-9 महीने हो गए मैं गाड़ी चलाए हुए। क्योंकि यार मैं जब भी हल्द्वानी आता हूँ, मैं घूमने आता हूँ तो मैं अपनी स्कूटी या बाइक लेके ही जाता हूँ मैं। और हल्द्वानी में लिटरली ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि मन नहीं करता है गाड़ी चलाने का, तो मैं मोस्टली वही करता हूँ, स्कूटी या बाइक लेके ही निकलता हूँ मैं पहाड़ों में घूमने। और आज मैं इतने टाइम बाद गाड़ी चला रहा हूँ, बड़ा ही ऑड लग रहा है मुझे, मतलब अजीब सा लग रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, लास्ट टाइम भी बड़े ऐसा हमने जो नई गाड़ी ले रखी है ब्रीज़ा, विटारा ब्रीज़ा, भाई साहब स्पीड ब्रेकर नहीं दिखा, विटारा ब्रीज़ा जो ले रखी है वो ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक चलाने थोड़ा सा मैं हिचकिचाया। बाकी अपनी मैनुअल जिंदाबाद है। आज भी मतलब बहुत टाइम बाद गाड़ी चलाई है, बहुत लंबा रन हो गया एकदम से, क्योंकि हल्द्वानी से जहाँ पे आस्था का कॉलेज है यहाँ पे मैं इसको छोड़ने आया हूँ, ये है अराउंड 40 किलोमीटर्स। काफ़ी लंबा रन हो गया यार, चलो ठीक है वार्म अप हो गया, अब सही है वापस लाइन पे आ गए हैं, अब चल रहे हैं घर को, निकलते हैं हल्द्वानी को। तो हमने यूनिवर्सिटी का गेट क्रॉस कर लिया और गेस व्हाट, ये है पन्नगर का एयरपोर्ट। और ये पन्नगर का एयरपोर्ट भी पता है मतलब एक्टिव है, यहाँ से भी फ़्लाइट्स चलती हैं, ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट्स नहीं चलती हैं, फ़्लाइट्स चलती हैं यहाँ से भी, और सही है बढ़िया है हिसाब किताब। बस ये है कि थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, आई थिंक उत्तराखंड सरकार इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी देखते हैं अब आगे और क्या है, क्योंकि अगर सुनने में तो ये भी आ रहा था कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी, अभी तक तो हुए नहीं, अब इतने सालों से सुन ही रहा हूँ मैं भी। बाकी चलते हैं, बढ़िया रास्ता है अभी तो फ़िलहाल, हाईवे चल रहा है, ये दिल्ली का हाईवे है। अभी मैं चलता हूँ मतलब आगे चल के, आगे से मैं राइट लूँगा, राइट में चल के पूरा जंगल का रास्ता आएगा जो पूरा हल्द्वानी तक का होगा जंगल का रास्ता, और फिर वहाँ पे दिखाऊँगा थोड़े बढ़िया बढ़िया व्यूज़, क्योंकि वहाँ सिग्नल तो आती नहीं, गाने आने चलेंगे नहीं, तो मैंने कहा व्यूज़ दिखाते हुए चलते हैं बढ़िया से। सो गाइस चेक दिस आउट, ये है वो रास्ता मतलब जो सीधा हल्द्वानी को जा रहा है, जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, अब बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आएंगे। और बहुत ही प्यारा रास्ता है, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है ये अभी। वैसे हाँ, मैं आते आते चेक कर रहा था, पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ था हल्द्वानी का, अराउंड टोटल जो रन है हल्द्वानी से पन्नगढ़ तक का वो जो मुझे दिखा 26+7 किलोमीटर्स, तो ये हो गया अराउंड 31, तो 31 किलोमीटर्स आना, 31 किलोमीटर्स जाना, तो मतलब वही अराउंड 60 किलोमीटर्स का मेरा रन हो गया सुबह सुबह। मैं
मैंने कहा सही है भाई, सही है सही है सही है, चलो बाकी चलते हैं। मैं हल्के हल्के थोड़े थोड़े व्यूज़ दिखाता रहूँगा बीच बीच रास्ते में। सो बेसिकली ये जो पूरा जंगल दिख रहा है, ये पूरा जंगल टांडा जंगल कहा जाता है। सो टांडा का जंगल, और मेरे मामा जी सबसे बड़े वाले मामा जी हैं, वो रिटायर होने से पहले यहीं के रेंजर्स थे। रेंजर बोले तो मतलब जो पूरा जंगल जिनके अंडर आता है पूरे सुपरविजन में। तो मामा जी रिटायर होने से पहले यहीं के रेंजर थे, तो ये जंगल में अंदर से पूरा घुमा हुआ। यहाँ पे अंदर एक छोटा सा जू भी है जहाँ पे जानवर भी रखे गए हैं, जिसमें से बाघ भी है। बाघ बाघ बोले तो गुलदार लियोपार्ड कह सकते हैं। यस, ये रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रास्ता है। लिटरली घुमाओ मतलब तो टर्न्स हैं बढ़िया से प्यारे से। जंगल के बीच में जब ऐसे टर्न्स आते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा लगता है यार, बहुत ही अच्छा सा। कहा अभी दिखाता हूँ, वो सामने टर्न है। अभी पीछे एक एस बेंड चले गया, एस टर्न एस मोड, वरना यार एकदम से याद नहीं आया, वरना मैं दिखाता हूँ उसको भी। और ये हम चले, ओ भाई साहब, तो रुक गए, फाटक लगा हुआ, फाटक बोले तो बैरी क्या कहते हैं उसको, क्या तो तला रहा हूँ मैं, हाँ रेलवे क्रॉसिंग का गेट लगा हुआ है। सामने ट्रेन आ रही है, और थोड़ी देर में ट्रेन आ रही है। अभी लवी का भी फ़ोन, लवी को फ़ोन किया था मैंने, उसने ग्रुप में मैसेज छोड़ा था कि कहाँ हो, तैयार हो जाओ, रेलवे स्टेशन चलना है। तो है कुछ ऐसा कि मतलब गौरव है सबकी जिनकी शादी है, भाभी लोग हल्द्वानी ही आ रहे हैं और लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ की ट्रेन आई गैस अभी पहुंचने वाली है आधे घंटे में। तो लवी ने कहा अपना स्टेटस बताना 7 बजे करीब, 7 ही बज गया 5-6 मिनट के बाद, फिर वरना मैं भी सीधा रेलवे स्टेशन ही जाऊंगा उन लोगों को पिकअप करने लवी के साथ, और बाकी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। बैरिकेड खुल गया है, हम निकल रहे हैं यहाँ से। चेक आउट द व्यू गाइस, चेक आउट द व्यू, लिटरली ये होता है व्यू। यहाँ पे ड्राइव करने में आता है मज़ा कसम से बहुत। बहुत सही व्यू रहता है यार, ये देखो सामने। तो गाइज़ जब भी आप ना, मैं एक छोटी से छोटा सा सजेशन दूंगा, जब भी आप दिल्ली से हल्द्वानी नैनीताल साइड आप ट्रैवल करें, तो गाड़ी आप जब भी इस पैच में आए जो मतलब रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी तक का है, इस पैच में ना कोशिश करिएगा कि अपनी गाड़ी ना बिल्कुल किनारे मत चला के आप थोड़ा सा इधर की साइड चलाएँ, क्योंकि साइड में ना बंदर रहते हैं बहुत ज़्यादा, और गलती से अगर कोई बंदर आ गई गाड़ी के नीचे आ गए तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ना। तो मैं बस सजेशन दूंगा, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके, खासकर तब जब बंदरों का ग्रुप रोड के किनारे बैठा हो, तब उस टाइम पे तो हो सके अगर ट्रैफिक नहीं है तो गाड़ी को बीच लेन में रख के चलाने की ही कोशिश करें। सो गाइस हम तो पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, अब जरा लवी से अपडेट लेते हैं कि वो लोग कहाँ पहुँचे हैं, क्या स्टेटस है उनका, क्योंकि अगर पन्नागढ़ से आए हुए लोग पहले रेलवे स्टेशन पहुँच जाए और वो लोग थोड़ा लेट पहुँचे तो फिर थोड़ा गड़बड़ है। चलो चलो गाइस, अब रेलवे स्टेशन से ले लिया था सबको, यहाँ पे ड्रॉप कर दे, पीछे एक बढ़िया सा घर दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जिया जी को प्रणाम बोल दो, लवी को हाय बोल दो, हेलो गाइस, अबे भाई साहब को हाय बोल दो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, अब बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लेकिन हर दिन नहीं डालूंगा, 4-4, 10-10 दिन के गैप में डालूंगा, वरना मैं कंटेंट ही खत्म हो जाएगा उड़गांव पहुँच के, तो इसलिए आराम आराम से आएगा सारा कंटेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है, मैं जानता हूँ देखा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, 100 ही हो रहे हैं बस, सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो बढ़ो, बाकी थैंक यू सो मच, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हैं, जल्दी बढ़ेंगे।
100 सब्सक्राइबर मेरे 1 लाख हो जाए बस। अगर 1 लाख हो जाएंगे फिर तो भाई यहीं आ जाएगा और क्या, फिर तो घर से करेगा सब कुछ, फिर वर्क फ्रॉम होम चलेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर सबको पहाड़ गेंद से दिखाएंगे।